सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज। आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। सो गाइस, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका लिथुआनिया की जॉब्स के बारे में है। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, बेसिकली वर्क वीज़ा भी इसी के साथ आपका अप्लाई होगा। बेसिकली अगर आपके पास जॉब है तो वर्क वीज़ा आपको डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, सो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में कवर अप करूँगा। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बंदे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जो भी हमारे कैंडिडेट्स पहली बार हमें देख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। क्योंकि गाइस बेसिकली हमारा वर्क यही रहता है कि हम आपको रोज़ डेली बेसिस पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं एंड आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो आज की हमारी जॉब पोजीशन है, ओके, जो कि आपकी लिथुआनिया जॉब रिक्वायरमेंट के लिए है, वो है आपकी जनरल वर्कर की। बेसिकली इसमें आपकी 10 आवर्स की ड्यूटी रहेगी गाइस। आपको 2 आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा। बेसिक सैलरी जो आपकी रहेगी वो 500 यूरो रहेगी। ओके, 500 यूरो आपकी सैलरी रहेगी। 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। ओवर टाइम डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपसे ओवर टाइम कितना करवाती है। ओके, बेसिकली आपका एकोमोडेशन फूड जो है वो फ्री है। ओके, आपकी एज जो है गाइस वो 25 to 35 होना चाहिए। इसके अबव और 25 के लेस देन कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए। तो सॉरी गाइस, आपका क्राइटेरिया जो है वो 25 to 35 के एज के बिटवीन होना चाहिए एज का। ओके गाइस, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड सेफ्टी क्लोथ्स आपको दिए जाएंगे। ओके, बेसिकली सेफ्टी क्लोथ्स में आपका सेफ्टी शूज़ भी आते हैं। तो बेसिकली आपके सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हर एक इक्विपमेंट आपको दिया जाएगा ताकि आप सेफ रहो एंड एकोमोडेशन एंड फूड आपको मिल ही रहा है। ओके, एंड गाइस आपको ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। बेसिकली A to Z सारे जो अलाउंस हैं, सारी यूटिलिटीज़ जो हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। बस आपको बेसिकली थोड़ा सा क्राइटेरिया है, छोटा सा, वो पास आउट करना है कि आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 25 to 35 होना चाहिए। ओके, आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो तो भी कोई बात नहीं, और है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे अगर कहा जाए तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। अगर आपने वर्क किया हो तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज सकते हो। इधर कोई दिक्कत नहीं है कि एक्सपीरियंस हो आपके पास। ओके, देखिए गाइस, इंग्लिश आपको बोलना आनी चाहिए। ओके, इंग्लिश इज़ एन एडवांटेज फॉर यू। आपको अगर इंग्लिश बोलना आती है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो इंग्लिश बोलना आती हो, आपका 1 ईयर का पहले परमिट लगेगा। पहले 1 साल का आपका लगेगा वीज़ा, देन उसके बाद 1 ईयर वर्क करने के बाद आपका रेसिडेंस परमिट अप्लाई होगा जो कि आपका 2 साल का हो जाएगा। तो बेसिकली 3 ईयर्स का पूरा जो आपका पीरियड है रहेगा वर्किंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर तो आपको 1 साल का अप्लाई करना है, फिर उसके बाद रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने के बाद 2 साल का हो जाएगा आपका। ओके, एंड गाइस अगर न्यू देखा जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे अलाउंस, सारी यूटिलिटीज आपको फ्री मिलनी है। बेसिकली अगर कहा जाए तो आपका 1 वीक में जो है 2 डेज़ की हॉलीडेज रहेगी एंड 5 डेज़ की वर्किंग रहेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप अपना आराम से वहाँ पर इन्हेंस हो सकते हो, उस एनवायरनमेंट में घूम सकते हो जिस एनवायरनमेंट के आप सपने देख रहे हो अब तक के। ओके, बेसिकली हर एक बंदे का एक सपना होता है एक अच्छी जगह वर्क करना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ। बेसिकली क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी का एक अपना गोल होता है। तो हर जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मेरे देख रहे होंगे तो उनका भी गोल होगा कि लिथुआनिया में वर्क करने का। सो अगर आपका गोल है सो गाइस आप अप्लाई कर सकते हो, जल्दी से अप्लाई करो क्योंकि बेसिकली इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही कम हैं। तो अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करो वीडियो को। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बैक जाओ, फिर से उसको अच्छे से रिपीट करो वीडियो को एंड फिर से समझो। ओके, एंड गाइस आपका मैंने बता दिया वर्क परमिट क्या, कितने टाइम का रहेगा, क्या पीरियड रहेगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको वर्क परमिट के लिए। टोटली 3 ईयर्स का आपका पूरा पीरियड रहेगा, 1 साल आपका वीज़ा वर्क परमिट वीज़ा पे रहेगा, देन आपको रेसिडेंस परमिट अप्लाई होगा जो कि आपका 2 साल का होगा। तो टोटल 3 ईयर्स का आपका पूरा पीरियड बन जाएगा। बेसिकली कहा जाए सैलरी बहुत अच्छी है गाइस, आपके 10 आवर्स की ड्यूटी, आपको हॉलीडेज भी मिलनी है 2 डेज़ की पर वीक में। आपको गाइस एक और चीज़ बता दूं कि आपका जो इंक्रीमेंट है, ओके,
इंक्रीमेंट भी आपका होगा एवरी सिक्स मंथ पे, ओके हर एक सिक्स मंथ पे आपका इंक्रीमेंट होगा। एंड गाइस आपको हॉलीडे भी मिल सकती है, इनकेस अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है आपके साथ कि आपको जाना पड़े अपने होम कंट्री, या काफ़ी सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, सो आप गाइस जा सकते हो उनसे, अगर आप बोलोगे तो वो भी आपको हॉलीडेज जो है वो देंगे। सो ये भी बहुत अच्छी बात है ये रिक्वायरमेंट में कि आपको हॉलीडेज मिलेगी इनकेस अगर कोई भी इमरजेंसी आपके पास आती है या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है आपके फैमिली में, ओके सो ये बहुत अच्छी बात है। आपको सारे यूटिलिटीज एंड अलाउंस आपको मिल रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पैसों की बचत भी बहुत अच्छे से होगी। बेसिकली आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट गाइस आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th 12th होना चाहिए, ओके एंड आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ये बेसिक थिंग्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके सो गाइस इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो मैं बता दूँगा आपको। डॉक्यूमेंट्स गाइस आपके लगेंगे पासपोर्ट साइज फोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड 3:5 रेशियो, पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट एंड बैक, आपकी सीवी रेज्यूम लगेगा, रेज्यूम होना ज़रूरी है गाइस, ओके अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो देन वो आप भेज सकते हो, अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है, ओके सो यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको भेजना है हमें, ताकि हम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 डेज की अप्रॉक्सीमेटली आपकी प्रोसेसिंग टाइम रहेगा आपका, सो गाइस ज़्यादा टाइम लेके रखा है ताकि आपका जो वर्क है वो हम अच्छे से कर पाएँ। सो गाइस फिर से रिपीट करना चाहूँगा मैं इस अपॉर्चुनिटी को, सो गाइस बेसिकली आज की जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है वो लिथुआनिया की जो कि आपकी जनरल वर्कर की है, जिसमें आपकी सैलरी 500 यूरो है, 500 यूरो है, 10 आवर्स की ड्यूटी प्लस आपका ओवर टाइम है, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी क्लोज एंड वर्क टूल्स, सारी यूटिलिटीज़ जो हैं वो आपको फ्री मिल रही है, अलाउंस फ्री मिलने हैं, आपकी टू डेज़ की हॉलीडेज रहेगी पर वीक में एंड 5 डेज़ की वर्किंग रहेगी। इन केस अगर आपके कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस पड़ता है तो आप हॉलीडे लेके आ सकते हो अपने होम कंट्री। एंड गाइस सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, 45 डेज़ की प्रोसेसिंग रहेगी, एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है, एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, इंग्लिश मस्ट, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th 12th होनी चाहिए आपके पास, ओके सो गाइस यही कुछ छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो अब तक के हमारे पास इस रिक्वायरमेंट के बारे में आई हैं, जो कि मेन बहुत ही मेन रहती हैं, सो वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी, डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें बता दी। बट गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़े से पेशेंस रखना अप्लाई करने के टाइम, क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है आपका अप्लाई जब हम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए हमने आपसे ज़्यादा टाइम लेके रखा है, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है एंड आपका पूरा वर्क जो है डन करके आपको देंगे, ओके सो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की मुलाकात, फिर से मिलेंगे बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, बट तब तक आपको वेट करना पड़ेगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल एल्फ ओवरसीज पर। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि हम रोज़ आपके लिए वर्कआउट करते रहें तो आपको भी हमें सपोर्ट करना है, सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करो ताकि हमें ये महसूस हो, हमें इस चीज़ का फील हो कि हाँ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी तरफ सपोर्टेबल है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ओके एंड अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जो कि आपकी जान पहचान में हो एंड वो भी जाना चाह रहा हो ऐसी कंट्री एंड बेसिकली कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन ना हो या एक्सपीरियंस ना हो तो वो इस जॉब के लिए उसको बताना ताकि वो भी अप्लाई कर सके, ओके सो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी मुलाकात। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, ऑल बटन दबाना ताकि आप तक लगे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस बाय।